उदयपुर वाटी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच पुष्पा देवी द्वारा सरस्वती माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि रमेश सैनी ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में प्रवेश करने से पहले इन सभी के चरण स्पर्श कर विद्यालय में आगे जाएंगे तो विद्यार्थियों को और अच्छी प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर स्कूल परिसर में प्रसादी का भी कार्यक्रम किया गया जिसमें आए हुए सभी लोगों को प्रसाद दिया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश सैनी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आत्माराम वर्मा, मदनलाल सैनी, जगदीश प्रसाद, श्रवण कुमार बंसी सैनी, पुरणमली योगी, धनाराम गुलाराम सैनी, रूडाराम केसर देव, सुरेश कानाराम, कृष्ण राजेंद्र पुरणमल वर्मा, मनोज कुमार सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। विद्यालय भागोरा में चार महान विभूतियाँ जो शिक्षा से जुड़ी हुई है उनकी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है जिनमें शिक्षा की देवी माँ सरस्वती, डॉक्टर भीमराम जी अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले इनकी मूर्तियाँ स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। भागोरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती पुष्पा जी सैनी की प्रेरणा से ये मूर्तियाँ विद्यालय के प्रवेश द्वार के ऊपर स्थापित की गई है। एक शानदार भव्य मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। साथ ही विद्यालय परिवार के द्वारा एक स्वामिनी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जब भी विद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे तो माँ सरस्वती के साथ साथ इन तीन महान विभूतियों से प्रेरणा लेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। विद्यालय बागोरा स्टैंड पर महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, सरस्वती जी मूर्ति स्थापना की गई है। उसी के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा गया है। 3,500 लोगों का खाना रखा गया है। 350 तीर्थ स्थापना स्कूल के मेन गेट पे की गई है। बच्चे जब भी अंदर आएंगे तो प्रणाम करके आएंगे, उनको अच्छी प्रेरणा मिलेगी। चारों महापुरुष हैं वो सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसके लिए उनकी मूर्ति स्थापना की गई है। किसके नेतृत्व में की गई है, कौन कौन यहाँ कार्यक्रम में शामिल हैं? सरपंच पुष्पा देवी जी हैं, उनके नेतृत्व में की गई है।